नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और वीरता से भरे शहर झांसी को। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर की लोकेशन की। तो झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक बसा है। झांसी का क्षेत्रफल लगभग 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल के वर्षों में झांसी का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर को आधुनिक तकनीकी और सेवाओं से लैस किया जा रहा है। झांसी में बेहतर सड़कों, फ्लाईओवर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ नए व्यावसायिक हब भी बनाए जा रहे हैं, जो शहर की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत कर रहे हैं, जिसके चलते झांसी की जीडीपी लगभग 7.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो इस क्षेत्र के विकास का प्रतीक है। झांसी की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, छोटे उद्योगों और व्यापार पर आधारित है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार झांसी की कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है और यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी है, लेकिन बुंदेलखंडी बोली का भी यहाँ पर खासा प्रभाव है। झांसी एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से उत्तर भारत के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा शहर में अच्छी बस सेवाएं और सड़क नेटवर्क भी हैं, जो आसपास के इलाकों को जोड़ता है। झांसी हवाई सेवा के विस्तार के लिए भी चर्चाओं में है। झांसी की संस्कृति बुंदेली परंपराओं से भरी हुई है और लोग बेहद ही सरल और मिलनसार हैं। यहाँ के लोग स्वादिष्ट बुंदेली व्यंजनों का आनंद लेते हैं, जिनमें बाटी चोखा, कढ़ी, बुंदेली ठेठ खाने के रूप में प्रमुख है। और घूमने के लिए झांसी का किला, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गाता है, रानी लक्ष्मीबाई का महल और बारवा सागर झील जैसी ऐतिहासिक जगहें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसलिए झांसी को पर्यटन और औद्योगिक हब के रूप में भी विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में शहर की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी झांसी शहर की दिलचस्प जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए शहर की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।